हेलो दोस्तों, ये हिटाची का माइक्रोकूल मॉडल का 7.5 टन की मशीन है। ये इसमें ये इसी कूलिंग नहीं कर रहा, तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये इसका रिमोट है और इसको हमने ऑन किया इसी को। ये बाई टेम्परेचर पे भी सेट है। इसमें 3 कंप्रेसर हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, हमने कस्टमर से पूछा था कि इसमें जब 5 मिनट चलता है तो इसी में 0.2 का एरर आ जाता है। 0.2 कंप्रेशर ओवरलोड का एरर है। जब तक ये कंप्रेशर चलता है, एसी चलता है, तब तक हम एक बार ऊपर कंप्रेशर चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, जब हमने ऊपर कंप्रेशर जाकर देखा तो इसके जो फैन ब्लेड है वो टूटे हुए हैं। ये 2 मोटर लगी हैं इसमें, दोनों के फैन ब्लेड टूटे हुए हैं। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखो, ये इसका टूट गया फैन ब्लेड। ये फैन ब्लेड टूट के कारण इसकी आर्म्स हैं, इसकी दोनों आर्म्स टूट गई हैं दोनों मोटर की। ये देखो, यहाँ से ये आर्म जंग की वजह से टूट गई हैं, तो इसकी भी जंगाल की वजह से टूट गई आर्म्स। ये 2 मोटर लगी हुई हैं इसमें, 3 कंप्रेशर हैं, 2.5 टन के 3 कंप्रेशर लगे हुए हैं। ये एक और ये दूसरा कंप्रेशर और ये तीसरा कंप्रेशर। तो हम इसकी मोटर को खोलते हैं। ये दोनों मोटर हमने खोल ली हैं इसकी, और ये देखिए, इसकी ये आर्म्स टूट गई है। इसकी एक आर्म्स टूट गई है और दूसरी मोटर के 3 आर्म्स टूट गई हैं, जिसकी वजह से ये मोटर डिसबैलेंस होकर इसके फैन ब्लेड टूट गए। और अब हम इसके नई आर्म्स तैयार करेंगे। ये हल्की वाली पत्ती है, इसको हम निकाल देंगे। और हम ये हिटाची का माइक्रोकूल मॉडल है, हम इसकी आर्म्स नहीं तैयार करेंगे अभी। ये देखो, हमने ये 1.25 इंची 1.5 सूत की पत्ती से हमने दोनों मोटरों की जो आर्म्स है वो तैयार कर लिए। ये हैवी आर्म्स हैं, ये पुराने वाली हल्की थी जो जंगाल की वजह से टूट गई। अब हमने हैवी वो जो आर्म्स तैयार करी हैं मोटर की, तो अब हम इसको फिट करेंगे एसी में। हमने इसके दोनों फैन ब्लेड भी नए ले लिए। ये देखो, अब हमको ये फिट कर दिया मोटर को एसी में, बहुत अच्छे से ये फिट हो गई हैं। और अब हम इसके शाफ्ट के ऊपर स्प्रे करेंगे WD-40 फैन ब्लेड फिट करने से पहले, ठीक है, ताँ जो इजीली फैन ब्लेड फिट हो जाएं। तो हमने एसी को फिट कर दिया है। ये देखो, ये फैन ब्लेड हमने फिट कर दिया, पूरा एसी फिट कर दिया। अब हम इसको ऑन करेंगे, एसी को चला के चेक करेंगे एक बार। तो हमने एसी को ऑन कर दिया नीचे से, ये चल पड़ा है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है एसी में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब हम इसके कंप्रेशर की पाइप चेक करेंगे, ये 3। ये देखो, ये भी गर्म होनी शुरू हो गई डिस्चार्ज पाइप, और ये सक्शन पाइप ठंडी होनी शुरू हो गई है। 3 कंप्रेशर ऑन हो गए इसके। सो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।